सॉरी आमना, मैं मीटिंग में था, अभी फोन ऑन किया तो तुम्हारा मैसेज पड़ा है। भाई आपकी गुड़िया आपसे बहुत ज्यादा नाराज है। यू मीन गुड़िया? अच्छा ठीक है, मैं बस जल्दी पहुंच रहा हूँ। ठीक है ठीक है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। आमना क्या कह रहे थे जान? खुशी के मारे उनके हलक से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, रास्ते में आ रहे हैं। अम्मी आज बहुत देर कर दी है भाई ने, मैं फोन करके पता करूं? रहने दो, आएगा तो घर ही। मैं तो दुआ कर रही हूं कि आज आधी रात को घर आए, बस फोन ना ऑन करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत मुबारक भाई, इतनी आसानी से तो हम आपको देखने मिलेंगे अपनी भांजी को। प्लीज ऐसा मत करो, दिखा दो। ये क्या हो गया? हाँ अच्छा अच्छा, इसको क्या हो गया? अरे बाप रे, अच्छा अच्छा भाई। तुम ठीक हो ना? खुश है ना जान? इतना प्यारा खिलौना अगर खेलने को मिलेगा तोहफे में तो कौन खुश नहीं होगा। अबू कह रहे थे इसकी आंखें और नाक तो बिल्कुल आपकी जैसी। रियली? लेकिन यकीन करो अभी जब रो रही थी ना तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी लग रही थी। थैंक यू सो मच। देखा फाइनली मामा हंसे, फाइनली। अरे बाप रे, आपको भी हंसी आ रही है। अम्मी, अफशा, अम्मी, आज बहुत खुश लग रहे हो, आ जाने में भी बहुत देर कर दी। मैं सीधा हॉस्पिटल चला गया था। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादी बन गई हैं। और जानती हैं आपकी पोती परियों से भी हसीन है। मैं सारा दिन यहाँ तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम पहले हॉस्पिटल चले गए। वो मैं, जब तुम्हें खबर मिली तो तुमने इतनी जहमत भी गवारा नहीं की कि अपनी जबान से ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाओ। I'm so sorry, मैं इतना खुश था कि बस कि अपनी खुशी में एक बार फिर अपनी माँ को भूल गए। मेरी पहली खुशी तुम्हारे सर पर सेहरा देखने की थी जो तुमने खाक में मिला दी, और आज अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी दी तुमने उसमें भी मुझे साथ नहीं रखा।
अम्मी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आइंदा नहीं होगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। खुर्रम को देखो किस तरह हर बात में अपनी माँ और बहन को हर वक्त अपने साथ साथ रखता है, प्यार देता है, इज्जत देता है, इसीलिए वो अफशा को प्यार करती है, उसके नाज नखरे उठाती है। अच्छा प्लीज एक मिनट बैठिए यहाँ पे और मेरी बात सुनिए, इतनी बड़ी खुशी इस घर में आई है, आप अपनी पोती की खुशी के खातिर अपने बेटे की एक गलती नहीं माफ कर सकते, प्लीज प्लीज। अच्छा डॉक्टर ने छुट्टी देने का कब कहा है? कल। तो ठीक है, वो हॉस्पिटल से अपनी माँ के घर नहीं जाएगी बल्कि यहाँ आएगी अपने घर। जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा। मैं अपनी पोती को हर वक्त अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। जी शायद जैन अपनी शादी पे भी इतने खुश नहीं थे जितने आज थे। औलाद की खुशी तो बहुत बड़ी होती है ना, आप तो जानती है ना जी सब, कुछ दिनों से जैन का रवैया कितना अजीब था, मुझे तो हर वक्त परेशानी लगी रहती थी कि कहीं जैन का रवैया हमेशा ऐसा ना रहे। औलाद बड़ों बड़ों को बदल देती है बेटा, अब तुम अकेली नहीं रही हो, मजबूत हो जाओ, बहादुर बन जाओ और वहां डट कर रहो बेटा। बस यार मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहे, मुझे और किसी चीज की फिक्र नहीं। अच्छी मैं आज बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुझे हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची। अच्छी आज मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि ज़ियान वापस जाए। सुबह फिर आ जाएगा, अब देखना पूरा सवा महीना इसी तरह रहेगा, सुबह ऑफिस जाएगा तो सीधा वहां से होकर जाएगा और शाम लौटेगा तो वहीं आएगा। पहले तो आप कह रही थी कि वो वहीं रहेंगी और अब कह रहे हैं कि सीधा हॉस्पिटल से यहीं आ जाएं। जब वो मुझे फोन करना भूल गए तो क्या उसके कदम रुक जाएंगे? सुबह शाम चक्कर लगाया करेगा, बेवकूफ नहीं हूं मैं, सोच समझ कर फैसला बदला है अपना। मुझे नहीं लगता उनको यहाँ आना चाहिए, खामखा में आके डिस्टर्ब करेंगे और उनकी माँ बहन तो दौड़ी चली आया करेंगे। तुम इन सब बातों से बेफिक्र हो जाओ, और वो तस्नीम बेगम, उसको मैं इतनी अहमियत नहीं देती कि यहाँ आने की हिम्मत करे। भाई तो खुश लग रहे थे, खूब नाजो नखरे उठाएंगे अपनी बेगम के और आपसे भी उठवाएंगे। नाज नखरे तो मैं उठाऊंगी लेकिन अपने अंदाज से। हेलो, बेटी की पैदाइश बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। कैसी है? अरे बहुत प्यारी है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। So sweet. तो बताओ हम इस छोटी सी गुड़िया से कब मिलने वाले? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ उसे लेने के लिए, तो उसके बाद तुम लोग कोई घंटे दो घंटे तक आ जाओ घर। ओके, लेकिन तुम्हें मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। नहीं भाई, आई एम सॉरी, मैं भी अपनी बेटी के साथ मसरूफ हूँ। तुम लोग आ ही रहे हो तो लंच और डिनर साथ में कर लेना, आइडिया कैसा है? ओके ओके बाय।
भी अभी हो गई है। मरियम बेटा तुम तैयार हो? जी अच्छी मैं तैयार हूँ। भाई सुल्तान कितनी देर में आ रहा है? बस 4-5 मिनट में पहुँचने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे वाह तुम तो बिल्कुल तैयार हो। बस सुल्तान के आने का वेट कर रहे थे। क्या जरूरत है उसकी? भाई तुम मेरे साथ घर जा रही हो अभी। आपके साथ? अरे यार असल में ना इसकी दादी इंतजार कर रही हैं कि ये आए और उसको ये बहुत सारा प्यार दे। और उन्होंने सख्ती से कहा है कि आप कहीं नहीं जाएंगी, आपने सीधा घर आना है क्योंकि वो अपनी पोती से मिलना चाहे। ठीक है चले। हाँ बेटा जाओ अपने घर। देखा कैसे खामोश हो गए मेरे पास आके। अच्छा चलो। भाई ये क्या बात हुई यार, ज़ियान भाई एन वक्त पे पहुंच गए, आप ही और मेरी प्यारी से गुड़िया को भी ले गए। भाई तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? वो अपनी बीवी और अपनी बेटी को लेकर गए हैं। तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि पहले यहाँ आने का प्लान था, मैंने सारी तैयारियां भी की हुई थी। तुमसे बेहतर तैयारियां करने के लिए वहाँ उसकी पप्पो साहिबा मौजूद है। तुमने मुझसे जो फूलों की पत्तियां मंगवाई थी तुम ऐसे करो कि वो सब मुझ पर ही निछावर कर दो। जी नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये पत्तियां तो मुझे आप ही के कदमों में बिछानी थी। अच्छा रुको ऐसे करो, इमेजिन करो मैं और मेरे साथ तुम्हारी भाभी हम दोनों दूल्हा दुल्हन बने घर पे आ रहे हैं, तुमने हमारा इस्तकबाल करना है, चलो शुरू हो जाओ। उदास हो जाती है। अल्लाह मेरे बच्चों को और इनकी खुशियों को हमेशा सलामत रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह। ये देखो गुड़िया आ गई, गुड़िया आ गई देखो। हेलो कितनी प्यारी है ना मेरी बेटी। बिल्कुल अफशां पे गई है। बहुत प्यारी आपकी बेटी। अफशां आपका बेटा कहाँ है? अंदर रूम में, उसे देखा ही नहीं। क्या कर रही हो? मैं बस प्यार कर रही थी। बच्चों को हाथ नहीं लगाते, खासतौर पर जब वो सो रहे हो तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और संसों की तबीयत भी खराब रहना शुरू हो जाती है। अफशां बहुत प्यारा है माशाल्लाह, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं पता कि आप लोगों ने इसका नाम क्या रखा है। आरज। आरज खुरम नाम है मेरे शहजादे का। शहजादे को पहली बार देखने आई इकलौती मुमानी साहिबा, वो भी खाली हाथ। आंटी मैं तो बहुत कुछ देना चाहती थी लेकिन हालत ही ऐसी नहीं थी कि मैं बाजार जाओ। जाकर अपनी बच्ची को संभालो, जाग गई है वो। जी मरियम तुमने बच्ची के लिए नाम सोचा? नाम या तो ज़ियान रखेंगे या फिर आंटी। Really? I'm surprised. मेरी भाभी ने तो नाम खुद ही रखा था, ना भाई को रखने दिया ना अम्मी को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी का नाम अम्मी रखे। All right.
Oh, by the way, 2 o'clock की हमारी meeting थी. It's 1:30. We leave. Really? Yes. Oh shoot. चलो. भाई ये संभालो हमारी गुड़िया को. चले? हाँ चलो. जान, जल्दी आइएगा. हाँ हाँ जल्दी आऊँगा. अब कहाँ रह जाएगा? आता हूँ. इतने दिनों के बाद आई हूँ. कमरे में घुसी हुई हूँ जी. मैं बस किचन में जाकर आसिया का हाथ बटाओ. खुरम और महनाज रात यहीं खाना खाएंगे. जी आंटी नमाज पढ़ रही है. मैं इसे थोड़ी देर यहाँ लिटा रही हूँ. कहीं जा रही हूँ? नहीं, आसिया के साथ किचन में हाथ पटाने जा रही हूँ. देखो मेरी, मैं अपना बेटा संभालूँ या तुम्हारी बेटी संभालूँ? अपने साथ ही ले जाओ, लाउंज में लिटा दो जाके. जाओ. और सुनो, दरवाजा बंद करके जाना. आप यहाँ क्यों आई हैं भाभी? रात में खुर्रम भाई लोग आ रहे हैं ना, खाना पका लेते हैं. आप जाके आराम करें, मैं खुद ही बना लूंगी. मुझसे आंटी ने कहा है. दिमाग खराब हो गया उनका? आसिया, ऐसे नहीं कहते. भाभी मैं ठीक कह रही हूँ. अपनी बेटी के तो अब तक नखरे झेलती हैं, एक लत हिलकर पानी पीने नहीं देती. और आपको? अच्छा बस, जल्दी से बताओ क्या पकाना है.
अब यह सो रही है, अगर जाग गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जल्दी जल्दी से पका लेते हैं। भाभी मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप जाके आराम करें, मैं खुद ही सारा काम कर लूँगी। वैसे मैं नहीं चाहती कि ज़ियान आए तो बिला वजह इस बात को लेकर कोई झगड़ा हो, उनका मूड खराब हो, फिर तुम हो ना मेरी हेल्प करने के लिए। चलो जल्दी से बना लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम भाई, अपनी बच्चे तो दिखाओ। ए बिस्मिल्लाह। ए माशाल्लाह माशाल्लाह, अंकल अच्छा के बचपन की कॉपी है। अच्छा ये लो भाई। अरे महनाज ये क्या कर रही हैं आप? भाई जिस तरह तुम्हारी पोती है ना, इसी तरह ये मेरी पोती भी हो गई। अब ये दादी पोती का मामला है, क्यों भाई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ खाना लगा दो। अम्मी इसका नाम तो फाइनल करते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना है, फिर देर हो जाती है। नहीं नाम तो मैंने अपने पोते का सोचा था, लेकिन अपनी पोती का रख देती हूँ। अर्शिया, अर्शिया ज़ियान। माशाल्लाह आंटी, नाम तो बहुत प्यारा रखा आपने। क्यों ज़ियान? अच्छा है अम्मी ने जो रखा है। For God's sake, 10 दफा मैंने तुम्हें कहा रात को इसको दूसरे कमरे में ले जाया करो सुलाने के लिए, सारा सारा दिन मुझे बाहर रहना पड़ता है, मुझे नहीं मौका मिलता दिन में सोने का। प्लीज जाओ किसी और कमरे में यार। वैसे यार क्या तरीका है? सुबह के 10 बज रहे हैं। जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, रात भर अर्शिया की वजह से सो नहीं सकी थी।
मैं 9 बजे ज़ियान को नाश्ता देकर बसा के लेती हूँ। अनोखी माँ हूँ क्या? मैं दुनिया की औरतें बच्चे पालती हैं, तुम्हारी तरह आधा आधा दिन सोकर नहीं गुजारती। निकलो कमरे से बाहर। जब वो उठेगी तो बादाम के तेल की उसके सर में मालिश कर देना, और हाँ हल्की आंच पे सूप चढ़ा दो, ये कल तो बिल्कुल ठंडा हो गया था। जी बेगम साहिबा। आसिया, एक ग्लास जूस अफशा के सराने रखा हो। भाभी आसिया फौरन आओ। जाओ जाओ। तुम जा रहे हो? हाँ मैं एक घंटे के लिए फारिग हूँ, तो सोचा जरा घर से चक्कर लगा आता हूँ, छोटी के साथ थोड़ा खेल लूंगा। हाँ लेकिन मैंने तो लंच लगा दिया, सही से भी हमें ज्वाइन कर रहे ना? यार सही सब नॉनसेंस बातें करते हैं, तुम हैंडल कर लेना उन्हें, मेरे पास मेरे से ही टाइम नहीं है। चलो मिलता हूँ। बस बस अर्शिया, अभी फीडर बनेगी। चुप हो जाओ। क्या हो रहा है ये? जी वो क्या वो? इसको किचन में क्यों लेकर आई हो? वो भाभी अभी थोड़ी देर पहले सोई थी। कहाँ सो रही है वो? वो अपने नीचे वाले कमरे में। निकल दो इसे, और आइंदा इसे किचन में मत लेकर। एक मिनट अभी चलने मामा के पास, अभी चलो। मरियम 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 उठो, क्या सो रही हो पड़ी हुई यहाँ पे? तुम्हें अपनी बच्ची की रोने की आवाज नहीं आती? नौकरानी के हवाले करके तुम मजे से सो रही हो यहाँ पे। जान मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। तबीयत वबीयत का कोई मसला नहीं है तुम्हारी, तुम्हें सिर्फ अपने आराम की पड़ी हुई। जान वाकई बहुत तबीयत अजीब हो रही है मेरी, आपको ऑफिस भेजने के बाद बस मैं लेटी थी कि आंटी ने आकर उठा दिया था। पता नहीं क्या हो गया जान, नींद से हालत खराब हो रही है मेरी। डोंट गिव मी लेम एक्सक्यूजेस ओके? तुम्हें तो पता नहीं बच्चों से क्या चिढ़ है, तुम तो इसको खत्म करना चाहती थी इसीलिए तुम। बट मेरी बात कान खोल के सुन, मेरी बच्ची का ख्याल करना तुम्हारा फर्ज है, और इसके मामले में मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। लो
भाभी भाभी जल्दी उठे। आहिस्ता अफशा जाग जाएगी, सुबह ही सोई है। क्या हुआ है बोलो? भाभी अफशा बीबी को बुखार है, बेगम साहबा बहुत गुस्से में, कह रही है कि आप उठ के आरज को जाके संभालें। मैं चलो चलो मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? अफशा के कमरे से आरिज को लेने जा रही थी। आरिज मेरे कमरे में है, मैं ला कर देती हूँ। जाओ पहले ये फिर बॉईल करके लाओ। तो इसकी ड्रामेबाजी खत्म नहीं होती। भाभी आप यहाँ क्यों आई? नहीं मैं देखती हूँ, आप अपने कमरे में जाएं, मैं आपके लिए नाश्ता बना कर लेकर आती हूँ। अफशा की बहुत तबीयत खराब है क्या? बहुत तेज बुखार है। नहीं भाभी, मैं उनके कमरे में नाश्ता लेके गई थी, थर्मामीटर लगाया हुआ था उन्होंने, हल्की सी सी हरारत है। तुम मुझे पानी पिला दो प्लीज। भाभी आपको तो बहुत तेज बुखार है। दो तीन दिन से है, सही नहीं लग रही तबीयत। तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? किसको बताती मैं? भाभी ये सब लोग आपके साथ कितना गलत कर रहे हैं ना, देखिएगा कि अल्लाह इनके साथ क्या करेगा। मरियम कहाँ हो तुम? मैं अरिज को लेकर कमरे में जा रही हूँ, तो मेरे लिए प्लीज चाय बना दो और ये बॉइल कर दो। सर चाय नहीं, मैं आपके लिए नाश्ता ही बना कर लेकर आऊँगी, आप कमरे में जाकर। मरियम मरियम आसिया आसिया, कितनी नींद चढ़ी हुई है इसे, होश ही नहीं है, बच्चे हलकान हो रहे हैं। भाभी को नींद नहीं चढ़ी हुई, उन्हें बुखार हुआ। आरिज को मुझे दो। अरे रे मेरा राजा बेटा, ओए नानू की जान, बस बस बस। एक काम करो, तुम अर्शिया को संभालो। अरे बस बस मेरा बेटा, बस बस। मैं तो अच्छी मुसीबत में पड़ी हूँ जियान, इधर अफशा को बुखार है, उधर तुम्हारी बेगम पड़ गई है बुखार में, आवाजें दे रही हूँ उठ ही नहीं रही। बेटा तुम जल्दी आओ, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, दवा खाए तो होश आए ना उन्हें। मैं दो दो बच्चे नहीं संभाल सकती। हाँ ठीक है ओके। अरे रे रे मेरा राजा बेटा, मेरा लाडला बेटा। कब से बुखार था तुम्हें? चार पांच दिन से, शायद जब से अर्शिया हुई है तब से है। तो तुमने मुझे बताने की ज़हमत भी गवारा नहीं की। यार उसके बाद से एक मिनट के लिए मुझे फुर्सत नहीं मिली है, सारी रात अर्शिया की वजह से जागती रहती हूँ, सुबह होती है तो मशीन की तरह कामों में लग जाती हूँ। ताने दे रही हो तुम मुझे? मैं कोई ताने नहीं दे रही हूँ,
आपने मुझसे पूछा तो बस मैंने बता दिया। तो तुम हर बात में रोना क्यों शुरू कर देती हो? अफशा को भी तो बुखार है। जान, अफशा को सिर्फ हरारत है। आपने तो एक बार मुझे छू के देखना भी गवारा नहीं किया कि मुझे कितना तेज बुखार है। कितनी दफा कहा है तुम्हें मेरे ऊपर तंज मत किया करो। जान, अगर आपने मेरे साथ यही सलूक करना था ना, सवा महीने तक मुझे मेरी अम्मी के घर ही रहने देते। वहाँ मेरा भी उतना ही ख्याल रखा जाता जितना अफशा का यहाँ रखा जाता है। ठीक, उतरो गाड़ी से और जाओ अपनी अम्मी के। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो